अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी का हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जीके सेक्शन का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 3 तक इस पर अपलोड कराया जा चुका है, तो यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। जीके सेक्शन जिसमें 50 MCQ कराया जाएगा, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, ये सेक्शन जो है बिहार एसएससी, बिहार सिविल कोर्ट या किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए संगमित्रा, गौतमी, यशोधरा या महामाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गौतमी। अगर बात करें हम बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो है इसमें पहले गौतमी जो थी सौतेली माता थी, गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी गौतमी, जिसे बुद्ध ने वैशाली में संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। बुद्ध में पहले तो महिला को संघ में लेने के विरोध हुआ था, किंतु गौतमी के अनुयायी विनय करने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर उनकी अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था वो किन कारणों से भेजा गया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा इसका ब्यौरा तैयार करने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन जो भारत आई थी तो सत्ता का हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो भारत आई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो था, जिसके राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। लॉर्ड रिपन जो था देश की नगर पालिकाओं का विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार उनका मानना था कि देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इस सारे फैक्ट। प्रश्न संख्या 4 है, सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के किस अंग में निवास करते हैं? ऑप्शन है तना, पुष्प, मूल या पत्ती। तो राइजोबियम लिगोमोनड जो है पौधे के जड़ भाग यानी मूल भाग में पाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि दलहन में पाया जाता है राइजोबियम। प्रश्न संख्या 5, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? नूरजहां, शाहजहां, मुमताज महल या जिन्नत महल? इसका सही उत्तर होगा मुमताज महल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है, अधिक उपज देने वाली धान की फसल, बंगाली चना, गन्ना या सरबती गेहूं में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लीफ ब्लास्ट नामक रोग, जो कि बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो ये गेहूं में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या ग्राम? तो पंचायती राज की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो कि भाग 9 संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 40 में कहता है, अनुच्छेद 40 के अनुसार भारत में एक पंचायत
पंचायती राज का गठन होना चाहिए। और भारत में जो है त्रिस्तरीय जो कि बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता पर किया गया था, जिसमें सबसे छोटा जो अंग है वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बीच का, और जिला परिषद सबसे ऊपरी होता है ये ग्राम स्तर पर। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, बहादुर शाह का नेतृत्व, झांसी का रानी का नेतृत्व, या हिंदू मुस्लिम एकता? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, हॉलैंड में, या भारत में? तो ग्रीनविच जिसको GMT कहते हैं हम लोग, जो कि भारत से 5.5 घंटा क्या है आगे है, वो जो है यूनाइटेड किंगडम में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है यानी ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर और हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, इसकी मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में, जाड़े में, या बसंत में, या कभी नहीं बदलता? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्मी में। ट्रोपोस्फेयर जो होता है इसकी मोटाई, जो क्षोभ मंडल की मोटाई होती है जाड़ा की अपेक्षा गर्मियों में जो है इसकी मोटाई जो होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं, यूनानी, भारतीय, अरबी मुस्लिम, या चीनी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरबी मुस्लिम। केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है, यानी केंद्र और राज्य के समन्वय के बीच जो है कौन सा एजेंसी काम करता है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, या वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या अंतर राज्य परिषद? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय कार्य के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? जैसे ही वेस्टर्न आ गया यानी पश्चिमी देश आ गया, पश्चिमी देश यूरोप आ गया, तो इसकी अगर सागरीय यानी कि समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, मार्को पोलो, कोलंबस, डेविड लिंगस्टोन, या वास्को डिगामा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी, वास्को डिगामा के द्वारा, जो पश्चिमी यूरोप देश की खोज है समुद्री मार्ग, वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन डी इस तरह से इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? देखिए ये भी प्रश्न जो है इस प्रकार के ही प्रश्न बिहार SSC में आमतौर पर पूछे जाते हैं, बिहार SSC हो, सिविल कोर्ट हो, और इसका एग्जाम अभी 2 से 3 महीना में अप्रैल मई में जो है लोकसभा का इलेक्शन का डेट निकल चुका है, तो देखिए अप्रैल मई के बाद ही इसका एग्जाम होगा। महादेव पहाड़ी, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए क्योंकि कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है। तो पूछा गया है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महालेश्वर, और नीलगिरी पहाड़ी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी। आगे का जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? यह भी देखिए प्रश्न पूछा गया था, 26 मील 385 गज, 26 मील, या 36 मील 500 गज, या 22 मील? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 मील 385 गज होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ये तो बिल्कुल सही है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, सही होगा।
जबकि दूसरा देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, चक्रवात क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब नहीं होता है। चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब एवं तंत्र वाला वामावर्त पवन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब पूछा है मांग यानी डिमांड, अनुदान कब बन जाती है? जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, या मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, या मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। तो आपको बताना है कि मांग जो है अनुदान कब बन जाएगा, कब इसको अनुदान कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, जब इसका मांग यानी डिमांड जो होता है स्वीकार हो जाने के बाद जो है यह अनुदान बन जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रोलिंग योजना जो है से आशय है, रोलिंग योजना से आशय है, योजना से है जो अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती है, अपने आवंटन हर वर्ष बदलती है, अपने आवंटन की ओर लक्ष्य हर वर्ष बदलती है, केवल लक्ष्य हर वर्ष बदलती है। तो रोलिंग योजना सबसे पहले है क्या? तो रोलिंग योजना की बात करें तो ये जो है अपना लक्ष्य जो है हर वर्ष नहीं बदलती है, रोलिंग योजना के तहत जो है अपना लक्ष्य जो है ये निर्धारित करती है और हर वर्ष इसकी लक्ष्य जो है नहीं बदलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? तो क्षेत्रफल में है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल के अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या भक्त खां? देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आधा था दूर चाचा जी का, तो क्या हो गया? हम देखते हैं, अट्ठारह सौ संतावन के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या भक्त खां? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध कब हुआ था? ए 1764, 1757, 1857 या 1942? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1757। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है पलासी के युद्ध 1757 में 23 जून 1757 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर या कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अक्षांश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? तो देखिए 14 दिन, 20 दिन, 6 माह या कोई निश्चित नहीं है। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को, धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रख सकते हैं, लेकिन किसी और विधेयक की अगर बात करें तो जो है कोई निश्चित नहीं है, वो अपना बिट्टों का, जो पॉकेट बिट्टों का इस्तेमाल करके किसी भी विधेयक को कितना भी अवधि तक रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर
या विक्रय कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विक्रय कर। विक्रय कर पर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय छूत लीग की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका सही क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था एक तो ह्यूम के द्वारा, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद जो होगा अखिल भारतीय अछूत लीग की स्थापना। तो इस तरह से होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज वाशिंगटन या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो है 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉरिल रेडक्लिफ या सर अस्टोफोर्ड रेडक्लिफ या लॉरेंस। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है, सर कॉरिल रेडक्लिफ, सभी लोग याद क्या करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेडक्लिफ रेडक्लिफ। अब यहाँ तो दो रेडक्लिफ दे दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा सर कॉरिल रेडक्लिफ के द्वारा है भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये ध्यान रखिए, ब्रह्मांड की विस्फोटी तारा कहलाता है, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, अभिनव तारा या क्लार्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा जो होता है, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गोवा को पुर्तगाल से कब आजाद करवाया गया था? 1947, 1945 में, 1942 में या 1900, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा को अगर जो पुर्तगालियों से, पुर्तगाल का शासन जो था गोवा पर था वो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराया गया था। तो इसमें याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली से आजाद कराया गया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं। आप लोगों को पता होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशवा चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद राणादेव, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, चंद्रावरकर आदि द्वारा बंबई में किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, राजा राम मोहन राय इसके नहीं थे, संबंधित नहीं है प्रार्थना समाज से, क्योंकि राजा राम जो है ब्रह्म समाज से संबंधित थे, प्रार्थना समाज से नहीं। तो ऑप्शन ए ही निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्ता, शहरी प्रशासन या केंद्रीय शासन। इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण स्वायत्ता, चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता जो थी ग्रामीण स्वायत्ता थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, यानी विजयनगर साम्राज्य जो है किस हिंदू राजवंश के पराजय से समाप्त हुआ? देखिए, बीजपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर के संयुक्त सेनाओं 23 जनवरी 1565 को राजसी तांगरी के युद्ध के सदाशिव राय के मंत्री रामराज को पराजित किया गया था।
रामराज को पराजित किया गया था तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने रामराज का वध करने के बाद इस युद्ध के अंत पूर्ण संहार हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए बुक ऑथर से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? विक्टर बनर्जी, ए एम फोस्टर, मीनू मसानी, एन सी चौधरी। इसका सही उत्तर होगा ए एम फोस्टर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा ये एनसीईआरटी जो है क्लास 8 से प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969, 1956 ईस्वी में, 1971 या 1973 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी में। पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री फाहियान जो था समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में जो है भारत आया था। हुएंग शान जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये दो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा गलत है? अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है, या जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टान से होती है, या जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टानों से होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टान से होती है। ऑप्शन बी जो है ये क्या है? गलत है। तो गलत का गलत, निगेटिव का निगेटिव आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? यहाँ पर पूछा गया लिखा किसने है, मजरूल, सुल्तानपुरी, गुलजार, प्रदीप या श्यामलाल गुप्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई बिल्कुल मिल चुका है, जवाहरलाल नेहरू इनको भी मिल चुका है, गोपीनाथ बारदोलई इनको भी मिल चुका है, लेकिन महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन में क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, भारत के अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था, या फिर देश की आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। देखिए विकेंद्रीकरण जो थे गांधी जी समर्थक थे, क्योंकि विकेंद्रीकरण जो है आर्थिक विकास के लिए जो है देश में अनिवार्य है, अनिवार्य था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के द्वारा जो है निर्माण किया गया था, इसका निर्माता थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य जो है 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। देखिए पूर्वोत्तर भाग में स्थित असम राज्य भी जो है पूर्वोत्तर भारत की बात की गई है, तो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जिसमें कि क्या आता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश।
के अतिरिक्त दो देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत के विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड जो है ये बना था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले जो इसका नाम था नागालैंड जो था केंद्रशासित नागालैंड जो है नागा हिल्स जिले का नाम कर दिया। 1961 में इसका नाम नागालैंड पड़ा है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो। 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज घोषित किया गया। विधिवत राज की अगर बात करें तो 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो अंग्रेज किया था भारत में उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्यिक प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष स्थिति खाद्यान्न पहुंचाने के लिए। तो ये क्या था? ब्रिटिश वाणिज्य जो है कॉमर्शियल जो है प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा करने के लिए ये जो है अंग्रेज भारत में रेलवे बिछाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्व के विचार, देखिए संविधान के स्रोत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो नीति निदेशक तत्व जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, देखिए सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और हौज किला खास जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से हमारा 50 MCQ कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।